नमस्कार दोस्तों, मैं योगा टीचर प्रभाकर यादव SPL लाइव लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मेरा हृदय अंदर से बहुत ही विचलित है। मैं बहुत अपने आप को पीड़ा में, कष्ट में महसूस कर रहा हूँ। इसका कारण आप जानते ही होंगे कि हमारे अलीगढ़ में ट्विंकल गुड़िया के साथ जो हुआ है बहुत ही भयावह है और हृदय को झकझोर देने वाला हादसा हुआ है। मेरा हृदय अंदर से रोता है मित्रों, ऐसे जघन्य अपराध इस भारत में होते हैं। मैं बहुत ही अंदर से टूटा हुआ हूँ। क्या मैं आपको बताऊँ इस समय में क्या महसूस कर रहा हूँ, आप विचार कीजिए। मेरी बेटी या आपकी बेटी यदि उसके साथ इसी प्रकार का हादसा हो तो हमारे हृदय पर क्या बीतेगी। इस सब के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, और ऐसा कब तक चलेगा मित्रों? यह बहुत ही जघन्य और दिल को झकझोर देने वाला हादसा है। न जाने ऐसी कितनी ही ट्विंकल गुड़ियाओं के साथ ये हादसा होता आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी घटना को लेकर गंभीरता नहीं है। अब हमको यह बर्दाश्त से बाहर है। हमें अपने देश के कानून को बदलना होगा, तभी जाकर के हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह का, ऊधम सिंह का यह सपना था कि जब हमारा भारत आज़ाद हो तो वह संपूर्ण रूप से स्वराज्य उसके अंदर स्थापित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मित्रों, मैं आपको क्या बताऊं, यदि हमें अपने बच्चों को इंसाफ दिलाना है तो इस कानून को बदल डालिए। आप जानते होंगे सऊदी अरब में बहुत ही सख्त कानून है। यदि इस प्रकार का कोई जघन्य अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को गला काट दिया जाता है। वहाँ पर बहुत ही सख्त कानून है। क्या हमारे भारतवर्ष में ऐसे कानून लागू नहीं हो सकते? क्या हम कानून के लिए बने हैं या कानून हमारे लिए बना है? आप सोचिए। मित्रों, हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ पाना है तो हर कीमत पर इस कानून को बदलना ही होगा। जितने भी देश अंग्रेजों के गुलाम हुए, उन्होंने अपनी इस कानून को
उखाड़ फेंक दिया। गुलामी के जो कानून थे उन्होंने उनको हटा कर रख दिया। अपनी व्यवस्था, अपने कानून आधुनिक परिस्थिति के अनुसार उन्होंने बनाए, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों के ऊपर चल रहे हैं? आखिर हम किसके गुलाम हैं? मेरी समझ में ये आता ही नहीं। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, यदि बलात्कार को रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, चोरी को रोकना है और भी जघन्य अपराधों को रोकना है तो कानून को बदल डालिए। कानून हमारे लिए नहीं बने, मित्रों मेरे पास कहने को कुछ शब्द ही नहीं है। हृदय मेरा आज बहुत अंदर से विचलित था। मैं सोच रहा था मैं किस प्रकार अपने शब्दों को बयां करूं, क्या कहूं। मेरी गुजारिश यही है कि उठो, जागो और हम सभी को मिलकर के इन जघन्य अपराधों के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हमें अपने देश के अंदर कानून व्यवस्था को बदलवाना है, तभी हमारा देश उन्नति करेगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा। मेरा भारत महान कहने से देश का नाम रोशन नहीं होता। हमें कुछ व्यवस्थाएं अपनी बदलनी पड़ेंगी। जब हमारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी तभी हमें संपूर्ण स्वराज्य होने का गर्व महसूस होगा। मित्रों मैं आपसे बहुत ही विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि देश को कानून जो व्यवस्था है वह बदलने पर मजबूर हो जाए। यदि आज कानून नहीं बदला तो ऐसे ही जघन्य अपराध मित्रों होते रहेंगे और हम सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे। तो मेरे साथ मिलकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और हमें इंसाफ दीजिए। ज़्यादा मित्रों मैं कुछ कहने के मूड में हूँ नहीं और कुछ कह भी नहीं पाऊँगा मैं अब। नमस्कार मित्रों।